हम लोग आगे क्या करेंगे? अब लगता है मोदी जी चले जाएंगे, अब रोजगारी कहाँ मिलेगी अब झोले नहीं तो। बाकी क्या, झोली काट लिया, अभी सोचा जा रहा है, निराश भी है थोड़ा सा बहुत। मोदी जी बोलते हैं कि हमने इतनी जगह खोलेंगे, खोल दें, पार्टी के लिए हैं, पर दुखदाई यही कि जो हमारे बच्चे भी रोजगार भाग रहे हैं आज, अब उसको हमने टांग लिया, क्या मोदी जी के झोले में हमने पढ़ेंगे? वो भी कहते पापा मोदी का झोला चाहिए। आप आश्वस्त हैं कि बेरोजगारी हट जाएगी? स्वस्थ आश्वस्त है मतलब कि नहीं, बेरोजगारी नहीं हटेगी। हटेगी क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी इतना बड़ा काम झोला दे रहे हैं। समझ नहीं पाया आपकी बात, आप स्पष्ट तौर पर कहना क्या चाह रहे हैं? हमें मोदी जी के पक्ष में बात कर रहे हैं कि मोदी जी के विपक्ष में बात कर रहे हैं? मोदी जी के पक्ष में कर रहे हैं, जो कि मोदी जी पर झोला दे दिया हमको, अनाज का झोला है। हाँ, अब उसको हमने टांग लिया, अब वो बच्चे ने देख लिया कि ये मोदी जी का झोला है, वो भी कहते पापा मोदी का झोला चाहिए। अब मोदी तो हम ही बस को दिया, बच्चे कहाँ पाएंगे मोदी जी का झोला? तो उसी झोले के चक्कर में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी चली गई, अब रोजगारी कहाँ मिलेगी अब झोले नहीं तो, नहीं कहाँ सब्जी बेचने जाएंगे, झोला रहेगा तो सब्जी बेचेंगे। रोजगार होना तो जरूरी है ना, आपके लिए भी रोजगार होना चाहिए। झोले नहीं, एक ही तो झोला मोदी जी ने दिया, अब एक झोला दे दिया बाकी, और फिर बाकी क्या, झोली काट लिया। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं भाई, मोदी जी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो तो एक झोला उन्होंने दे दिया तो बेरोजगारी तो खत्म हो गई, कैसे खत्म? तो भाई मोदी जी हमारी बेरोजगारी को समझे, हमको डबल झोला दे। वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि मोदी जी को बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमने इतनी जगह खोलेंगे, खोल दें, हमारे बच्चे सर्विस में हो जाएं, मैं ही चाहते हैं। जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की थी, तो क्या वो मिले अभी? कहा 7-8 साल, अभी कोई अभी चांस नहीं आए, अभी सोचा जा रहा है। लगभग सोचते सोचते तो उम्र बीत जाएगी। अब लगता है मोदी जी चले जाएंगे, तब तक हम लोग दूसरे प्रतिनिधि को चुनेंगे। अच्छा, दिल्ली पे निराश हुए हैं थोड़ा सा? बहुत नहीं, बहुत। अब पार्टी कार्यालय में आप मौजूद हैं, बताइए। नहीं तो पार्टी के लिए हैं, दर्दनाशक हैं, पर दुखदाई यही कि जो हमारे बच्चे भी रोजगार भाग रहे हैं आज, 15 साल से एक जगह नहीं खुले, बच्चे हमारे सब पढ़े लिखे, कोई डबल एम ए, कोई इंजीनियर पोस्ट किए, हर मेर के जाप किए, आज जो घर में झोला देखते हुए बैठे, क्या मोदी जी के झोले में हमने पढ़ेंगे खाएंगे बच्चे? हम तो ठीक है, चला लिए, कार्यालय में बैठने से विरोध न कर रहे हैं, जो सच है उसको बता रहे हैं, उसको सच बोला जा रहा है। और एक पेरेंट्स है कि अभिभावक की वेदना को जो तो कह रहे हैं, अपनी गरिमा को बताया जा रहा है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। भाई हमारे बुजुर्ग लोग तो ठीक है, अभी तक चला लाए, कुछ नहीं है, 70 साल से जब एक मिनट बोल लेना है ना, 7 साल में क्या करते चले आए, अब हमारे ना युवक कहाँ जाएंगे बेचारे, इसके पहले ना युवक दल हमारे। तो ये नाराजगी मोदी जी से ज्यादा है कि शिवराज जी से? नहीं, हमारी मोदी जी से, मोदी जी से। स्वराज जी हमारे यहाँ के हैं, जितना तो उतना कर रहे हैं बेचारे। मोदी जी तो मान लीजिए 7 साल से ही है, शिवराज सिंह तो जो तो 15-20 साल हो रहे हैं। नहीं तो अधिक जिम्मेदारी तो शिवराज सिंह की, स्वराज जी देते ही आए, पर जो पैनल वहाँ है मेन चाबी वो खोल दें, स्वराज भी खोल दें। ये तो 2014 में पैनल और चाबी खोलने की बात करके मोदी जी चले गए थे, बोल रहे थे कि कांग्रेस वहाँ पैसा नहीं आता है, हमारी सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब तो डबल इंजन की भी सरकार बन गई, तो शिवराज सिंह की तो ज्यादा जिम्मेदारी हुई, क्योंकि वो तो काफी लंबे टाइम से यहाँ रहे हैं, आए हैं, कह के गए हैं, फिर भी आएंगे, फिर भी कहेंगे कुछ शायद दें। हम आशा मिचले बैठे कार्यालय मुनि के इंतजार पे, बगल में आज कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। जी हाँ, आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ, ऐसा नहीं अवहेलना नहीं किया जा रहा, भरगुजा के लोग सबका दिल खोल करके स्वागत कर। भरजुना माफ कीजिएगा, मैं पहली बार आया हूँ।